मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, 6 o'clock ही उठ गई हूँ। पता नहीं क्यों नींद खुल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा जो उठ ही जाते हैं तो इसलिए सुबह सुबह ही उठ गई हूँ, चाय वाय पी ली है। अब सोच रही हूँ घर का काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं फटाफट से पोछा मारने का सोच रही हूँ। झाड़ू नहीं दूंगी आज, क्योंकि कल शाम को ही झाड़ू दिया था, तो घर पूरा क्लीन ही दिख रहा है। बस एक मॉप कर दूंगी तो अच्छा हो जाएगा। रात में बर्तन धो के रखी थी, यानी कि सोने के पहले बर्तन सारे वॉश कर दिए थे, तो वो भी लगाना है, तो वो भी लगाऊंगी। और खाना भी थोड़ा चढ़ा दूंगी ताकि एक टाइम पे 2-3 काम हो सके। तो सबसे पहले तो खैर पोछा लगाऊंगी, मेरा गला भी अभी थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है। सुबह सुबह उठो तो हल्का हल्का फसा फसा सा लगता ही है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। आज तो बाहर का एरिया भी मॉप करने का सोच रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैंने बाहर का कुछ भी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपना ही अंदर का काम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज बाहर का भी कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम शुरू करूँगी तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी होगा। तो चलिए मैं फटाफट से मॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बाहर में झाड़ू दे दिया है, मॉप बाद में करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। और दाल भी चढ़ा लिया है, आराम उठ गया है तो उसे भी देखना पड़ रहा है। तो यही सब चल रहा है अभी तक, तो मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। फटाफट से फ़ैन चलाती हूँ। आजकल मौसम ऐसे ही हो गया ना, कभी ठंडी कभी गर्मी, वैसे ही लगती रहती है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डालकर जीरा डाल दिया है, और जैसे ही जीरा थोड़ा सा चटकने लगा था तो मैंने डाल दिया था लाल मिर्च। जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाएगा मैं डाल दूँगी इसमें आलू। आलू को मैंने छील कर रखा हुआ है और कट भी कर लिया है। तो मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील कर अच्छे से कट कर लिया है। ये सब्जी बहुत ही क्विक बन जाती है, और ऐसी स्थिति में तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं हो घर पे तो भी ये अच्छी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा है तो, अगर आपको अच्छी लगे तो। तो जैसे ही मेरा जीरा ब्राउन हो गया था मैंने डाल दिया है यहाँ पर आलू। आलू को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, 1-1 इंच के टुकड़ों में। और आलू को मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी अच्छे से। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। नमक डालने से बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही आलू फ्राई हो गया था तो मैंने डाल दिया है बैंगन। बैंगन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसको अच्छे से मिला लिया है। बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मेक श्योर कि आपका आलू अच्छे से फ्राई हो गया हो, तभी आप उसमें बैंगन ऐड करें। बैंगन ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है ऐड टमाटर। 2 छोटे छोटे टमाटरों को मैंने अच्छे से काट लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ियों में, तो इसलिए मैं करी पत्ता हमेशा ही रखती हूँ। कभी कभी अगर नहीं रहे तो फिर और बात है, लेकिन ज़्यादातर मैं सब्ज़ियों में करी पत्ता ऐड करती हूँ। डाल दिया है हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी मिक्स करते हुए। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। फ्लेम मीडियम रहे तो अच्छे से फ्राई होती हैं सब्ज़ियाँ। तो
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन को छील कर कूट लिया है। लहसुन से बैंगन में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो आप सिर्फ बैंगन बना रहे हो, बैंगन टमाटर बना रहे हो या आलू बैंगन बना रहे हो, लहसुन डालने से बैंगन का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बैंगन की सब्ज़ी बनाइए लहसुन ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी इतना डालना है कि आलू पक जाए। तो यहाँ पे आलू को पकने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। थोड़ी सी ग्रेवी भी मुझे चाहिए, तो पानी उसी के अनुसार मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए या सूखी सब्ज़ी चाहिए उसके अनुसार ही आप पानी ऐड कीजिए। तो सब्ज़ी में पानी डालने के बाद मैंने उसे दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया था और ढक्कन लगा दिया था, और इस तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ दाल में तड़के की। डेली तो मैं क्या करती हूँ कि तड़का लगाने के बाद ही दाल को उसमें डालती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि तड़का बाद में यूज़ करूँ, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डाल रही हूँ मैं तड़के में, सिर्फ जीरा और करी पत्ता से तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्च डालूंगी तो दाल थोड़ी सी तीखी हो जाएगी और बच्चे नहीं खाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे तड़का लगा रही हूँ। बिल्कुल दाल बनाते समय ही मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया था, और मैं प्याज नहीं डालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि प्याज सब्जियों के लिए चाहिए होता है और मेरे पास बस थोड़ा से ही प्याज बचे थे। तो मैंने सोचा चलो आज बिना प्याज के ही काम चला लेते हैं तड़के में। तो मैंने बस सिंपल सा तड़का दाल में लगाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका। तो थोड़ी देर बाद मेरी सब्ज़ी बन गई थी और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें छोड़ना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसी स्टेज पे इसे ऑफ़ कर लिया था। धनिया की पत्तियाँ मेरे पास नहीं थी, नहीं तो इस स्टेज पे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर। यहाँ पे जो ऑटो आपको दिख रहा है ना, उसमें वेजिटेबल बेचने आया, पता नहीं एक गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर लोकल कोई बेच रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है रात 9:30 हो रहे हैं और बच्चे भी सो गए हैं, आज जल्दी सो गए हैं, पता नहीं उठ जाएंगे कि क्या, क्योंकि जब भी जल्दी सोते हैं तो डर लगा रहता है कि उठ जाएंगे। और मेरा खाना बन गया है, मैंने अभी डिनर किया नहीं है। पता है सबसे ज़्यादा ना, जैसे ये लॉकडाउन हो गया है हम लोगों को तो खैर थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी ना जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनके लिए तो एक दिन कमाना उसी दिन खाना वैसा रहता है, तो वो कहाँ से स्टोर कर पाएंगे, कैसे जिएंगे, मतलब सोच सोच के मेरा ना मतलब टेंशन बढ़ जाता है कि हम लोग तो इतना रहने के बावजूद रो रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, उन लोगों का क्या हाल होता होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो आज तो यही चल रहा है।
लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरा मन भी थोड़ा सो सोची उदास हो गया है, तो आई होप आप लोग भी समझेंगे। मतलब सुबह से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि वो लोग कैसे कर रहे होंगे। मैंने इवन राकेश को भी बोला, पता नहीं हम लोग तो इतना रो रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, जबकि इतना कुछ घर में है। उन लोगों का क्या हो रहा होगा जब उनके घर में, मतलब जिस दिन कमाया उस दिन खाया वाली बात हो रही होती है, तो फिर वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। वो भी एक दो दिन नहीं है, पूरे 21 दिन है, तो 21 दिन सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और 1 वीक सरवाइव करना भी उस स्थिति में बहुत बड़ा चीज़ है, और 21 दिन तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है नहीं करती है। आई होप सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी जल्दी, और ये कोरोना वायरस का सफाया हो जाए इस कंट्री से। बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये सिचुएशन। तो सेफ रहिए, घर में रहिए, और घर के काम करते रहिए, घर को क्लीन कीजिए। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।